हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष ज्ञान वाला चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल लाइन के बारे में, जिसे कि हार्ट लाइन या लव लाइन कहते हैं। और ये जानेंगे कि किस तरह से हम हार्ट लाइन से हम व्यक्ति की लव लाइफ के बारे में और लव लाइफ को लेकर उसका क्या एटीट्यूड है, इसके अलावा वो अपने पार्टनर के साथ कितना अफेक्शन रखता है, उसके मन में क्या चल रहा है, और इसके अलावा वो अपनी लव लाइफ में सिंपल है या इमोशनल है, ये सभी जानकारी जो है हमें हार्ट लाइन से प्राप्त हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हार्ट लाइन कहाँ पाई जाती है। तो ये जो आपको लिटिल फिंगर के नीचे वाला स्थान दिखाई पड़ रहा है, इसे बुध स्थान कहते हैं। और हार्ट लाइन जो है वो बुध स्थान के अंतिम पोर्शन से इस तरीके से स्टार्ट होकर कर्व लेती हुई ये चलती है, जैसा कि आपको यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोगों के हाथ में ये लाइन जो है वो गुरु स्थान पर यानी कि इंडेक्स फिंगर के नीचे इस स्थान पर समाप्त होती है। यदि ये लाइन क्लियर है, कर्व्ड है और विदाउट एनी कट्स है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग जो हैं वो दिल के काफ़ी साफ होते हैं, दूसरों को प्रेम करने वाले होते हैं और काफ़ी प्योर फीलिंग्स रखने वाले होते हैं। फ्रेंड्स, यदि ये हार्ट लाइन गुरु स्थान पर पहुंचकर, मान लीजिए यहाँ पर गुरु स्थान पर पहुंचकर ये लाइन दो या तीन पोर्शन में इस तरीके से डिवाइड हो जाती है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो लव लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं और ये नेचर वाइज भी बहुत ही केयरिंग होते हैं और रिस्पॉन्सिबल नेचर के होते हैं। ये अपने रिश्तों को बखूबी निभाते हैं और ये अपने पार्टनर को भी भरपूर और दिल की गहराइयों से प्यार करने वाले होते हैं। और लव लाइफ को लेकर भी इनके काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं, और यदि कई बार इनका अगर दिल टूट जाता है तो ये काफ़ी इमोशनल और दुखी भी हो जाते हैं। वैसे ज़्यादातर इन्हें लव लाइफ में सक्सेस ही मिलती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि मान लीजिए हार्ट लाइन मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर इनके बीच में जाकर समाप्त होती हो, इस तरीके से मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, इस दोनों फिंगरों के बीच में ये हार्ट लाइन अगर समाप्त होती है तो ऐसे लोग ट्रू लवर होते हैं। ये काफ़ी रोमांटिक नेचर के होते हैं और खुलकर अपने प्रेम का इजहार करने वाले होते हैं। ये अपनी रिलेशनशिप को मैरिज तक भी ले जाते हैं, यानी कि ये लोग ज़्यादातर लव मैरिज करते हैं और अपनी लव लाइफ में ये काफ़ी खुश नसीब होते हैं और अपने पार्टनर को काफ़ी प्रेम करते हैं और उनकी काफ़ी केयर भी वो करते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि हार्ट लाइन छोटी हो, किसी के हाथ में काफ़ी छोटी हार्ट लाइन होती है, मान लीजिए हार्ट लाइन जो है काफ़ी छोटी है, इस तरीके से काफ़ी छोटी हार्ट लाइन है, तो इस तरीके की हार्ट लाइन जो है, या फिर किसी के हाथ में हार्ट लाइन एब्सेंट होती है, तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी हार्ट लाइन या तो छोटी होती है या उनके हाथ में हार्ट लाइन नहीं होती है, वो लोग काफ़ी नैरो माइंडेड होते हैं और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ये अपने मनमाने ढंग से जीना पसंद करते हैं, इसलिए लोग इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और ये अक्सर अकेले रह जाते हैं। इनकी लव लाइफ भी स्मूथ नहीं रहती है और ये दिल की अपेक्षा दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और लव लाइफ भी जो है, इसमें भी इनका अपना खुद का स्वार्थ ये देखते हैं और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट नेचर के होते हैं। फ्रेंड्स, वहीं यदि हार्ट लाइन इसकी जगह, मान लीजिए किसी के हाथ में यदि हार्ट लाइन ऊपर की बजाय यदि नीचे की तरफ कर्व लिए हो, तो इस तरीके की हार्ट लाइन भी अच्छी नहीं मानी जाती है और ऐसे लोग काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं। ये दूसरों की फीलिंग की भी कोई कद्र नहीं करते हैं, इसलिए इनकी लव लाइफ भी काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्म्स जो हैं उनमें बने रहते हैं। इन्हें अक्सर अपनी मैरिज लाइफ में भी काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति की हार्ट लाइन मान लीजिए स्ट्रेट है, इस तरीके से स्ट्रेट हार्ट लाइन किसी के हाथ में होती है, तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो थोड़े शाय किस्म के होते हैं और ये अपनी रिलेशनशिप में पैसिव रोल प्ले करते हैं, यानी कि ये स्वयं रिश्ते की को निभाने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते हैं और इनमें लव और इमोशन की भी थोड़ी कमी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हथेली में पाई जाने वाली हार्ट लाइन यानी कि लव लाइन की पूरी जानकारी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपके हाथ में किस तरीके की हार्ट लाइन है और आपको उससे किस तरह के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। फ्रेंड्स,
चैनल को ज्योतिष हस्तरेखा और वास्तु से संबंधित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।